दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों आप अगर गूगल क्रोम इस्तेमाल करते होंगे तो आपको कई बार इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती होगी और आप ऐसा करते आ रहे होंगे। दोस्तों होता ये है कि आप किसी न किसी डिफॉल्ट लोकेशन में उनको सेव करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस एपिसोड में, इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप उस डिफॉल्ट लोकेशन को कैसे बदल सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप कोई भी फाइल डाउनलोड करने के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो कोई एक लोकेशन अपने आप आ जाती है। अगर आप वहीं पर सेव में या डाउनलोड में क्लिक कर देंगे तो वो वहीं पर सेव हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि आप उस डिफॉल्ट लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि आपकी डिफॉल्ट लोकेशन डेस्कटॉप जो है सिलेक्टेड है, लेकिन आप चाह रहे कि बार बार ये कचरा हो रहा है, या कोई वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, आप चाह रहे हैं कि एक डाउनलोड वाला फोल्डर बना दूं या डी ड्राइव में ये कोई फोल्डर बना दूं, वहां पर ये फाइलें सारी की सारी जाएं, जो भी फर्स्ट डाउनलोड हो डिफॉल्ट रूप में जो आए। तो दोस्तों इसको चेंज कैसे करते हैं, दोस्तों आज आप हम लोग ये सीखते हैं और इसको हम लाइव सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों ये है हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन और आप इस समय हैं google.com पे। तो दोस्तों गूगल क्रोम की बात कर रहा हूं, इसलिए अपना ब्राउजर आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और उसमें कोई टैब ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने google.com ओपन कर लिया है, आप कोई भी चीज यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ और आप उसको चेंज करके क्या पाएंगे। दोस्तों जैसे कि मान लिया कि मैप ऑफ इंडिया हमने कर लिया, और कोई भी ये कहीं भी फाइल हो सकती है दोस्तों, ये केवल गूगल की नहीं बल्कि कोई और इसके अलावा वेबसाइट हो सकती है जहां से आप फाइल को डाउनलोड करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे गूगल थोड़ा सा आसान लगा। दोस्तों जैसे मैप ऑफ इंडिया है, इसमें इमेजेस में आप गए, मान लिया कि इस मैप को आपको डाउनलोड करना है, तो इसको आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहां पर इमेज है आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर सेव इमेज राइज में किया। कहीं पर सेव इमेज हो सकता है, कहीं पर सेव फाइल हो सकता है, सेव या डाउनलोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो वो अलग अलग वेबसाइट वाइज डिपेंड करेगा वहां पर क्या है। हम तो खाली आपको डिफॉल्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे सेव इमेज करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक ये लोकेशन यहाँ पर दिखेगी, वो है दोस्तों ये यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा है कि ये डाउनलोड का एक फोल्डर है जहां पर कि ये यहाँ पर सेव करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों डाउनलोड का जो फोल्डर है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और इसकी लोकेशन यहाँ पर ये दी हुई है। तो दोस्तों इसी को अगर हमको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज करने का क्या तरीका है, तो दोस्तों इसी के बारे में हम आपको अभी बताते हैं। अभी जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर सीधा इसमें क्लिक कर देंगे सेव में, और ये डाउनलोड वाले फोल्डर में सीधा जा करके ये सेव हो जाएगा। अब दोस्तों इसको चेंज करना है, मान लिया डाउनलोड फोल्डर को चेंज करके कुछ और आपको करना है, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो आपका गूगल क्रोम का जो ओपन है ब्राउजर, यहाँ पर आपको जाना है राइट साइड टॉप में तीन डॉट डॉट के वर्टिकल्स दिए होंगे, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में दोस्तों इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये चीज सेटिंग से ही चेंज होती है, तो सेटिंग में आप क्लिक कर लीजिए तो ये विंडो ओपन होगी। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह की ये विंडो ओपन हो जाती है सेटिंग की। सेटिंग की जैसे ही विंडो दोस्तों ओपन हो जाती है तो आपको यहाँ पर एडवांस, जहाँ लिखा है एडवांस, में क्लिक कर लेना है। एडवांस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर डाउनलोड्स में आप क्लिक कर लीजिए और आप देखेंगे दोस्तों कि डाउनलोड्स में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये है इसकी लोकेशन जहां पर कि ये डिफॉल्ट रूप से सेव हो जाता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखेगा, आस्क फ्रेज टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग। कहने का मतलब ये, क्या ये हर बार आपसे पूछे कि कहाँ आपको फाइल सेव करनी है। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो दोस्तों डिफॉल्ट की बजाय ये हर बार आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है। तो चूंकि मैं इसको डिसेबल इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझसे हर बार ना पूछे नहीं हर बार पूछेगा तो थोड़ा इरिटेटिंग होता है, इसलिए इसको डिसेबल रखता हूँ मैं। डिफॉल्ट रूप से डिसेबल भी रहता है तो मोस्टली इसको डिसेबल्ड पोजिशन में ही आप पाएंगे। अब आपकी जो लोकेशन है, जो डाउनलोड है, इसको आप मान लो चेंज करना चाहते हो, चेंज करने का ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ये ऑप्शन पूछ रहा है कि अब आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर डेस्कटॉप, मान लिया डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट फोल्डर में कर दूंगा, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डाउनलोड्स की जगह
डेस्कटॉप हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो अभी हम सेव कर रहे थे फाइल या डाउनलोड कर रहे थे फाइल, अब वो डेस्कटॉप में सीधा जाएगी। तो सीधा हम वहीं आ जाते हैं उसी मैप में, और यहां पर हम वही सेम चीज करते हैं सेव करने के लिए जो पहले हम कर रहे थे। तो जैसे हमने राइट बटन क्लिक किया, सेव इमेज एज में जैसे ही करेंगे तो वैसे ही एक विंडो खुलेगी जहां पर ये डिफॉल्ट लोकेशन दिखाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, पहले यहां डाउनलोड आता था। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस चीज को चेंज कैसे किया जाता है। तो हमने डाउनलोड्स फोल्डर से चेंज करके हमने डेस्कटॉप फोल्डर कर दिया है, और अब इसमें सेव जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल चुपचाप सेव हो जाएगी। जैसे दूसरी करेंगे तो दूसरी भी ऐसे ही, आपकी राइट बटन क्लिक किया, सेव इमेज किया, और ये वही डेस्कटॉप ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका होता है डिफॉल्ट जो डाउनलोड लोकेशन या सेव करने की लोकेशन को चेंज करने का गूगल क्रोम में तरीका होता है। तो दोस्तों बस यही जानकारी आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब आप इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से बड़े आराम से कर पाएंगे अपने काम में, अपने इंटरनेट की एक्टिविटी में। तो इससे आप इंटरनेट का इस्तेमाल बेहतर तरीके से और सही अपने कंट्रोल में आप इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, आपके काम का लगता है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह के टेक्निकल वीडियोस दोस्तों अक्सर लाते रहते हैं जो कि आपके बड़े काम के होंगे और आपके कंप्यूटर की लाइफ की कंप्यूटर की वर्किंग को बहुत ही आसान बनाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।